गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो पार्ट सात में जो गीत है हमने पूरा पढ़ लिया था, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, यह गीत किसको संबोधित है? यह गीत मजदूरों को संबोधित है। किसके लिए गीत गाया गया है? मजदूरों के लिए। इस गीत की किन पंक्तियों का तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाएं, हम चाहो तो चट्टाने में पैदा कर दे रहा है। तो उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास किसी कार्यालय में, किसी कंपनी में देख सकते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो पंक्तियां हैं, हम इनको अपने आसपास जो भी कार्यालय है, जहाँ बहुत सारे जने काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ देख सकते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो क्यों कहा है उन्होंने। साहिर ने इन पंक्तियों को मनुष्य के साहस और हिम्मत का परिणाम दिखाने के लिए किया है। मतलब जो मनुष्य में साहस है वह दिखाने के लिए किया है कि उनमें बहुत साहस है। मनुष्य जब मेहनत करना शुरू करता है तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी छुप जाते हैं। तो कहना चाह रहे हैं जब मनुष्य मेहनत करना शुरू करता है, जो सागर है वो भी रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी सर झुका लेते हैं, यानी बड़े से बड़ी मुसीबत भी हल हो जाती है। इसी मेहनत के कारण मनुष्य ने सागर चीन पुलों का निर्माण किया और पहाड़ों पर भी राहें बनाई हैं। और इसी कारण मनुष्यों ने सागर नदियों को चीर कर उस पर पुल बनाए हैं और पहाड़ों पर भी राहें बना दी हैं। गीत में सीने और बांह की फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बांह को फौलादी क्यों कहा गया है? तो जो सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। जो सीना है मनुष्य का, वो मनुष्य की इच्छा शक्ति को दिखाता है और कार्यों को पूरा करने का साधन हाथी है, इसलिए गीत में सीना और बांहों को फौलादी कहा गया है। तो जो मनुष्य का सीना होता है वो बहुत मजबूत है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, मतलब वो इच्छा से जो चाहे वो कर सकता है और कार्य जो है, मतलब जो चाहता है वो अपने हाथ से ही पूरा कर सकता है, इसलिए उन्हें फौलादी कहा गया है। अब जो हमें मुहावरे दिए हैं हम वो पढ़ेंगे। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रयुक्त मुहावरे का वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ना सूझना, इसका मतलब अंधेरा होना होता है। बिजली चली जाने पर कमरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जब बिजली चली गई थी, लाइट चली गई थी, तो कमरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मतलब अंधेरा हो गया था। दूसरा है हाथ साफ करना। हाथ साफ करने का मतलब चोरी करना। मौका मिलते ही चोर ने पर्स पर अपना हाथ साफ कर दिया, मतलब पर्स से पैसे चुरा लिए। हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना, मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। साथ देख लेने से उसके हाथ पैर फूल गए, मतलब वो बहुत ज्यादा डर गया। हाथों हाथ लेना, स्वागत करना, मतलब कंपनी का नया सामान निकालते ही लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, मतलब खरीद लिया और स्वागत कर लिया। हाथ लगना, अचानक कुछ मिल जाना, मतलब जैसे ही हम बोलते हैं ना, मेरे हाथ ये लग गया, मेरे हाथ सबूत लग गया, वैसे रास्ते में रोहित को सोने की चेन हाथ लग गई, मतलब उसे सोने की चेन अचानक मिल गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 8 शुरू करेंगे।